जो हमारे हैंडलूम के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला जो है आपका नल का, उसमें क्या गिवन है हमें, इथीन का एक सॉल्यूशन गिवन है। इथीन जब हमारा सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है तो उस टाइम पर उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 1 bar है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के अंदर इथीन का जो वेट है, ठीक है, आप कह सकते हैं वेट ऑफ इथीन, वेट ऑफ इथीन जो है हमारे पास, सॉरी इथीन, वो कितना है हमारे पास, 6.56 × 10⁻³ - 3 g। ठीक है, तो अगर हमारा वेट जो है वो कितना हो जाए, 5 × 10⁻²⁔ g हो जाए, तो उस टाइम पे उस सॉल्यूशन का, इथेन के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। दोबारा स्टेट करना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन फॉर्म में आई थी और उसका वेपर प्रेशर कितना है, 1 bar, और उसका जो वेट है वो कितना है, 6.56 × 10⁻³। अगर उसका वेट इतना हो जाए तो उस टाइम पे उस सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इस सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे, मोलर मास, ठीक है। सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे इथेन का, C2H6 का। तो इसका मोलर मास कितना आता है हमारे पास, 30 g/mol, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे जो भी हमारे पास गिवन मास है। हम देखो यहाँ दो सिचुएशन बन जाएगी, हम यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन मानेंगे और यहाँ सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर, तो मास कितना है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। मास है हमारे पास 6.56 × 10⁻³ - 3 और डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है, 30, ठीक है। और ये कितने आ जाएंगे, 2.187 × 10⁻³ - 3 mol। इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास वाटर के, वो एक्स है, ठीक है, जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर। अब सेकेंड सिचुएशन में जब हमारा वेट इतना हो जाता है तब तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो सेकेंड सिचुएशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 5 × 10⁻²- 2 डिवाइडेड बाई 30। तो ये वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, ये वैल्यू आएगी लगभग लगभग हमारे पास 1.67 × 10⁻³ - 3 mol। और इस सिचुएशन में भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एक्स है, ठीक है। अब हम दोनों केस में हेनरी लॉ लगाते हैं। अगर इस पर अगर हम हेनरी लॉ लगाएं तो हेनरी लॉ क्या कहता है, जो भी हमारे पास पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, KH × x। तो यहाँ से हम के एच की वैल्यू निकाल देंगे, के एच जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका भी हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब हम यहाँ पर मानते हैं कि वाटर हमारे पास ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अमाउंट बहुत कम है और हम ये अमाउंट ज़्यादा, हमें पता है सॉल्वेंट ज़्यादा लार्ज अमाउंट होता है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ये सिचुएशन लेके हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर कितना है हमारा, 1 bar, ठीक है, 1 है। और नंबर ऑफ मोल्स इथेन के क्या होंगे, दिस क्वान्टिटी 2.18 × 10⁻³ - 3 डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारे पास 24 के नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास वाटर के, ये होंगे। सिमिलरली हेनरी लॉ यहाँ पे लगाएंगे, ये इनिशियल प्रेशर था, यहाँ पे अगर हमें फाइनल प्रेशर निकालना है तो वो कितना होगा, के एच इंटू में हमारे पास मोल फ्रैक्शन सेकेंड सिचुएशन के अंदर। अब हमें पता है कि के एच जो है वो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो ये कॉन्स्टेंट होगा। तो ये जो के एच की वैल्यू हमारे पास आई है हम इसको यहाँ सेकेंड सिचुएशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर और सेकेंड सॉल्यूशन कितना होगा हमारे पास, एक्स डिवाइडेड बाय 2.18 × 10⁻³ - 3 इंटू में मोल फ्रैक्शन। अब इस सिचुएशन में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो इथेन के हैं वो वाटर से ज़्यादा है, तो मोल फ्रैक्शन जो आएगा हमारे पास आता है वैसे तो n1 = n1 + n2, और हम यहाँ पे n2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, एक्स, और इसके कितने हैं, 1.67 × 10⁻³ - 3, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा
7.64 bar। तो इसका मतलब जैसे जैसे हमारे वेट कम होता जा रहा है, हमारा पार्शियल प्रेशर भी है सॉल्यूशन का वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सॉल्यूशन की सॉल्यूट का जैसे जैसे वेट कम होता जाएगा, पार्शियल प्रेशर भी रिड्यूस होता जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, हमें एक एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है 0.2%, उसके अंदर क्या है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, 1.004 bar का एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये एक ही मेथड से किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम उनका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ 2% का मीनिंग देखते हैं। हमें पता है 2% है, तो इसका मतलब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना होगा यहाँ पे 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना होगा हमारे पास 2 ग्राम, एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो मास है वो हमारे पास कितना है 98। अब पता है सॉल्वेंट वाटर है H2O, जिसका मोलर मास कितना होगा 18 होगा। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। सबसे पहले H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, हमें मोलर मास नहीं पता। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमें पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। हमें पता है सॉल्यूशन दोनों के सम के बराबर होता है, सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन के माइनस में सॉल्यूट का आ जाएगा। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो है P1O माइनस में P1 डिवाइडेड बाय P1O इज इक्वल्स टू W2। मास कितना है हमारे पास सॉल्यूट का 2। मोलर मास कितना है हमें नहीं पता, हम मोलर मास हम यहाँ पे लिख देते हैं M1। ठीक है, और हम यहाँ पे निकालते हैं हमारे पास गिवन मास कितना है 98, मोलर मास कितना है सॉल्वेंट का 18। अब देखो हमें पता है सॉल्वेंट जो है वाटर, वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमें पता है, वो वेपर प्रेशर कितना होता है 1.013 एटमोसफेयर के बराबर होता है, माइनस में इसका कितना है हमारे पास 1 bar के बराबर होता है, ये हमारे वाटर का होता है। ठीक है, माइनस में सॉल्यूट का कितना है हमारे पास, यहाँ पे हम निकाल देंगे, तो कितना है हमारे पास 1.013 माइनस में 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 0.009 माइनस 1.013। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/M1 18 बाई 98। इनको सॉल्व करके हमारे पास M1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी 41.35 ग्राम पर मोल, तो इस तरह से हमारे पास मास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने हैप्टेन और ऑक्टेन दोनों को मिलाकर एक हमने आइडियल सॉल्यूशन बनाया, कितने टेम्परेचर के ऊपर 373 केल्विन के ऊपर हमने बनाया, और हैप्टेन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 105.2 किलो पास्कल, ऑक्टेन का वेपर प्रेशर कितना है 46.8 किलो पास्कल है। अगर मैं वेट कितना ले लूं, हैप्टेन का 26 ग्राम ले लूं और ऑक्टेन का वेट कितना रहेगा 35 ग्राम, तो दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूंगी तो उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना होगा, अगर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है तो उस टाइम पे उन दोनों का वेपर प्रेशर कितना होगा, ये आपसे पूछा है। इस तरह की अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे,
तो आप देखिए, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, मोलर मास किसका निकालेंगे, हैप्टीन का। हैप्टीन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C7H16। तो इसका मोलर मास आता है हमारे पास 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, सिमिलरली मोलर मास क्या निकालेंगे, ऑक्टेन का निकालेंगे। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या था, C8H18। तो इसका आएगा 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, जब हम इनको इनको मिक्सचर बना रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, जो भी गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने हैप्टेन के निकाल दिए, नंबर ऑफ मोल्स हमने ऑक्टेन के निकाले, तो कितना आ जाएगा, 35/114 आएगा। तो ये तो कितना आ जाएगा, 0.26, और ये आएगा हमारा 0.31 मोल्स। ठीक है, फिर हम क्या निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। मोल फ्रैक्शन हैप्टेन का निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0.26 डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस में 0.31, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.456 आएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, और हमें पता है 1 माइनस कर देंगे इसको 0.456 को, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 0.544 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो हमें पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे हैप्टेन का। हमें पता है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ट्रू प्रेशर इंटू है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर हम देखें हैप्टेन का जो वेपर प्रेशर है ट्रू सॉल्यूशन का, वो कितना है हमारे पास, 105.2 किलो पास्कल, मल्टीप्लाई बाय जो मोल फ्रैक्शन है 5.46, ये आ जाएगा। फिर लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा 47.97 किलो पास्कल। सिमिलरली हम पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे ऑक्टेन का, तो ये क्या होगा, ट्रू प्रेशर ऑफ ऑक्टेन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन का। ट्रू प्रेशर कितना है, 46.8 किलो पास्कल, और मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 0.544। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 25.45 किलो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है किसका, वाटर का, और ये दे रखा है हमें लगभग लगभग 12.3 किलो पास्कल दे रखा है, और किस टेम्परेचर के ऊपर, 300 केल्विन के ऊपर दे रखा है। तो हमसे पूछा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन हमें निकालना है ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन। ऐसे सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर निकालना है जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी है, 1 मोलल है। 1 मोलल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, 1 मोलल का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट के वो कितने हैं, 1 है। और जो वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना है, 1000 ग्राम। और हमें पता है मोलर मास होता है, मोलर मास जो है वाटर का वो कितना होता है, 18। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वाटर के वो कितने हो जाएंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये कितना आएगा, 45.56। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आपको याद रखना ही है। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस में 55.56, तो कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 36.56 इज इक्वल्स टू 0.0177 मोल्स आ जाएंगे। अब वही हमने जो लास्ट यूज किया था फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है ये। तो ये कितना है हमारे पास, 12.3, सॉल्यूशन का हमें पता नहीं है, ये कितना है, 12.3 किलो पास्कल, और ये कितना आया हमारा, 0.0177, जिसको हमने क्या लिखा था, W1 by M1, W2 by W2, ये वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो आएगा 12.08 किलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे क्या पूछा है, आपको सॉल्यूट का मास निकालना है, गिवन मास, और उसका मोलर मास कितना है, 40 m, जिसको हमने डिसॉल्व किया 114 g एसीटोन के अंदर, ताकि उसका जो एसीटोन का जो वेपर प्रेशर, अगर हम मान लें इनिशियली 100 है, तो वो 100 से कितना आ जाए, 80 हो जाए, इतना मास हमें निकालना है सॉल्यूट का, जिससे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमने हमारे पास सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, एसिड ऑक्टेन है, ऑक्टेन ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो वेट कितना है हमारे पास सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना है, 114 g, और मोलर मास कितना है हमारे पास, सॉल्वेंट का मोलर मास भी 114 होता है, लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। और हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मास है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास हम मान लेते हैं W2। तो हमने पीछे एक फॉर्मूला किया था, P1 naught माइनस ए P1 इज इक्वल्स टू P1 naught इज इक्वल्स टू W W1 बोल देते हैं इसको, W1 / m1 इंटू में W2 / m2, इस तरह से हम निकाल देंगे। तो ये कितना था, P1 naught और माइनस P1 naught। अब देखो इसने कहा है रिड्यूसेस टू 80%, 80% का मतलब क्या होगा, 80% ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। 80% ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि मान लो सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर वो P1 naught है, 80% का मतलब क्या होगा, 80% का मतलब होगा 80 / 100, यानी लगभग 0.8 P1 naught के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना आएगा, 0.8 P1 naught, और W1 जो है इसको हम W1 बोल देंगे। मोलर मास कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है सॉल्यूट का, मोलर मास है जो हमारे पास सॉल्वेंट का वो कितना, 114, और गिवन मास भी 114 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम P1 naught की वैल्यू निकाल देंगे, सॉरी P1 यहाँ हमारा जाएगा 0.2 P1 naught, P1 naught W1 / 40, P1 naught से P1 naught कैंसिल, और W1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 g, ये जो सॉलिड का मास है कितना आ जाएगा, ठीक है।